हे गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे प्यारे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के साथ। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मेरा डबल पेटल हिबिस्कस है और इसकी मैं वीडियो भी आई बटन पर शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जो आप देख सकते हैं। तो मैं अब आपको बता रही हूँ इसमें कितनी प्यारी फ्लावरिंग हो रही है। और जो नेक्स्ट मेरा फ्लावरिंग प्लांट है वो है मैक्सिकन पिटोनिया। इसका वैसे तो टाइम समर है, पर ये हमेशा फ्लावरिंग देता रहता है थोड़ी बहुत, और ये बहुत इजीली लग जाता है। मैंने इसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है किस तरीके से लगता है, शीट से भी, कटिंग से भी, और इतना ज़्यादा इजी लगने वाला है, ये कहीं पर भी लग जाता है। और नेक्स्ट जो है वो है रोज़, और ये इंग्लिश रोज़ के नाम से जाना जाता है, और ये भी बहुत इजीली लग जाता है। और नर्सरी में हर वैरायटी, हर कलर में ये अवेलेबल आपको इजीली मिल जाएगा अगर आप इसे लगाना चाहें। उसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और ये शेडेड में भी होते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है वो है सदाबहार, और ये भी बहुत इजीली कहीं पर भी लग जाते हैं और ये हमेशा फ्लावरिंग करते हैं। और ये रहा मेरा अगला जो प्लांट है वो है गॉम्फराना, और गॉम्फराना भी बहुत इजीली लग जाता है और इसमें कितने प्यारे बॉल्स के टाइप के फ्लावर्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, और ये कुछ ज़्यादा जगह नहीं लेता है, ये छोटे से पॉट में भी लग जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये है कुंद का प्लांट, और इसमें भी वैसे तो इसका सीजन समर है, लेकिन ये इस टाइम भी अक्टूबर के मंथ में भी फ्लावरिंग दे रहा है। इसका टाइम अक्टूबर तक रहता है, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा सर्दी के टाइम ये फ्लावरिंग नहीं करता है। और नेक्स्ट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है फ्रेंड्स मेरा नागचंपा प्लांट, और इसमें भी बहुत प्यारी फ्लावरिंग हो रही है। और ये मैंने कुछ 2 महीने पहले ख़रीदा था, और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी बढ़ गई है। आप देख सकते हैं इसमें एक और ब्रांच आ रही है साइड में, और इसमें बहुत सारी बर्ड्स आई हुई हैं। अभी फ़िलहाल इसमें एक ही फ्लावर है। और ये रहा मेरा सबसे फेवरेट इस मंथ का जो प्लांट है वो है हिबिस्कस। और फ्रेंड्स, इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, करीब ये 7-8 फीट तक हो चुका है, और इसकी एक ब्रांच पर ही काफ़ी सारे फ्लावर आ रहे हैं, चारों तरफ आते हैं इसके फ्लावर। और ये देखिए फ्रेंड्स कितने ज़्यादा भर भर कर आते हैं। और ये रहा हमारा बलसम प्लांट, जो इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई थी, इसे किस टाइप से लगाया जाता है और किस मंथ में इसके फ्लावर्स आते हैं। और अभी फ़िलहाल इसमें सीड्स आए हुए हैं, ये देखिए फ्लावरिंग का इसका टाइम ख़त्म हो चुका है लगभग। और ये रहा मेरा नेक्स्ट प्लांट है रेड शेक, और ये भी अभी मैं इसे 10 रुपीज़ में इसकी छोटी सी पौध लेकर आई थी, अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया, फ्लावरिंग भी हो रही है। ये रहा मेरा नेक्स्ट प्लांट वेडेलिया, इसे पीला भृंग राज भी कहते हैं, मैंने इस पर भी एक वीडियो है। और फ्रेंड, मैंने जितने भी प्लांट आपके साथ शेयर किए उनमें से जिन जिन प्लांट्स की मैंने वीडियो सेपरेट बनाई हुई है उनकी मैं आपको लिंक शेयर करूँगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखें और इन प्लांटों को लगाएं।